नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाबी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरेंजन, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ बहुत जबरदस्त अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिएगा, तो आज हम फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं यूपी टेट के लिए, जो कि आगामी एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो कि फरवरी में होने की संभावना है, है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रदूषण समझाया था कि प्रदूषण होता क्या है और प्रदूषण को हमें पढ़ना कैसे है, और उसी के अंतर्गत हम पहला प्रदूषण आपको पढ़ाने चल रहे हैं, और इस प्रदूषण का नाम है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या नाम है? तो यहां पर जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण है। हालांकि हम पिछले वीडियो में भी आपको समझाए होंगे, कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी प्रदूषण पढ़ना होगा तो उसके पहले हम विभाजित करेंगे उसे कि आखिर हम इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो वायु प्रदूषण में पहला जो है पढ़ना है कि वायु प्रदूषण क्या है, या वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, क्या है या किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण क्या है या वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, और वायु प्रदूषकों का मानव पर प्रभाव, वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण का मानव पर प्रभाव पढ़ना है हमें, कि आखिर मानव पर एक किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे, मानव किस प्रकार से प्रभावित होगा। और उसके बाद सबसे बाद निकल के आता है वायु प्रदूषण से बचने के उपाय, बचाव किस प्रकार किया जा सकता है वायु प्रदूषण से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है, और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगर हम वायुमंडल में गैसों की बात करते हैं, अगर वायुमंडल में हम गैसों की बात करते हैं तो देखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है, जो कितनी पाई जाती है, जो पाई जाती है 21%। अन्य गैसें भी हैं, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हम इतने से ही आपको समझाना चाहते हैं, ज्यादा आपको यहां वहां से नहीं पढ़ाना है, ठीक ना। बिल्कुल सीधी सीधी बातें उसको समझिएगा। अगर बाबू दोनों का योग करते हैं तो इन दोनों गैसों का योग आता है 99%। इन दोनों गैसों का योग कितना आ जाता है, तो इन दोनों गैसों का योग आ जाता है 99%। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही हैं, दो महत्वपूर्ण गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है उसको हम प्राण वायु के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं ना। तो जब वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। यदि मान लीजिएगा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है इसकी मात्रा में यदि हम कमी कर दें या इसकी मात्रा को हम बढ़ा दें, मतलब जो जितनी मात्रा में गैसें पाई जा रही हैं, जिस अनुपात में, जिस प्रतिशतता में यह गैसें पाई जा रही हैं, यदि उनके अनुपात में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दें, या तो उनका अनुपात को बढ़ा दिया जाए या उनके अनुपात को घटा दिया जाए, तो सांस लेने में समस्या होने लगेगी। और जब हमें सांस लेने में समस्या होने लगेगी तो इसी को क्या नाम दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा वायु प्रदूषण। चलेगा, देखिएगा कैसे। मान लीजिएगा जो नाइट्रोजन 78% है, इसको हम 10% बढ़ा दें, लगभग 87% कर दें, कितना प्रतिशत कर दें, लगभग 87%। और ऑक्सीजन जो है 21, इसको हम लगभग कर देते हैं 12%। कितने प्रतिशत कर देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 12%, ठीक ना। देखिएगा, अगर आप इन दोनों का योग भी करेंगे तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 99। तो क्या बताइएगा, जो एक्चुअल है वो ये है, और जो हमने बना दिया वो ये है, मतलब हमने यहां पर नाइट्रोजन को बढ़ा दिया है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दिया है, तब भी वो कितना आ रहा है, 99। तो बताइएगा, यदि हमने इन गैसों के परसेंटेज में, इन गैसों के प्रतिशतता में, इन गैसों की मात्रा में जो हमने परिवर्तन कर दिया, क्या ये परिवर्तन मानव के लिए सही है,
क्या इस परिवर्तन से मानव अछूता रहेगा? क्या इस परिवर्तन से मानव को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और मानव को समस्या क्या होगी? मानव को सांस लेने में समस्या होने लगेगी। तो जब मानव को सांस लेने में समस्या होगी तो इसी को नाम दिया जाएगा वायु प्रदूषण। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है या किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अनुपात या गैसों की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा में परिवर्तन से, गैसों की मात्रा में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्या को, उत्पन्न होने वाली समस्या को, उत्पन्न होने वाली समस्या को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको नाम दिया जाएगा वायु प्रदूषण। क्या कहते हैं? तो वायु प्रदूषण कहते हैं। अब आता है कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक और जिन पदार्थों के द्वारा वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है उन्हीं कारकों को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उन्हीं कारणों को हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रदूषक। हम ये भी लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक या वायु प्रदूषक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वायु प्रदूषक। तो देखिएगा, अगर हम वायु प्रदूषकों की बात करते हैं, वायु प्रदूषक, तो वायु प्रदूषक क्या हो जाएंगे? सारी गैसें जो हैं, जो वातावरण में हैं और किसी प्रकार से परिवर्तन डाल रही हैं, तो वायु प्रदूषक की जगह हम सब यूज करते हैं कि वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाले कारक। तो वायु प्रदूषण कहां से उत्पन्न हो रहा है? तो देखिएगा, पहली अगर बात की जाए तो जो जंगलों में आग लगती है जिसको हम बोलते हैं वनाग्नि या दवानल, जंगलों में लगने वाली आग को हम वनाग्नि या दवानल कहते हैं। और वनाग्नि या दवानल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, राख निकलती है, साथ ही साथ में धूल कण भी निकलते हैं। साथ ही साथ में क्या निकलते हैं? साथ ही साथ में निकलते हैं धूल कण। तो ये सभी क्या है? ये सभी वायु प्रदूषक हैं। दूसरी बात की जाए तो दूसरा आता है ज्वालामुखी प्रक्रिया। और ज्वालामुखी प्रक्रिया से कई सारी गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प निकलती है, साथ ही साथ में धूल कण और साथ ही साथ में राख। धूल कण और साथ ही साथ में क्या निकलती है? तो साथ ही साथ में निकलती है राख। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खनिज तेल शोधन शाला जहां पर हम ऑयल को अपना रिफाइन करते हैं, तेल रिफाइनरी कहते हैं। अगर उससे बात की जाए तो खनिज तेल शोधन शालाओं से क्या निकलती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO गैस भी निकलती है, CO2 गैस भी निकलती है, ठीक ना। उसके बाद अगर बात की जाए, आपका रेफ्रिजरेटर होता है और उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, शीतलीकरण की प्रक्रिया, या फिर आपका एयर कंडीशनर जो होता है AC, तो इसके द्वारा कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, CFC गैस निकलती है जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। ऊंचाई पर चलने वाले जेट विमान के ईंधन जलने से, जेट विमान के ईंधन से क्या निकलती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, और नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड होते हैं NO, NO2
और N2O, ठीक ना। नाम क्या होते हैं आपको पता लगाना है, जेट विमान हो गया, ठीक ना, जेट विमान हो गया। उसके बाद धान का खेत होता है आपका, धान का खेत, और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक ना। तो दवा बनाग्नि या दवानल है, ज्वालामुखी प्रक्रिया, खाने तेल शोधनशाला है, रेफ्रिजरेशन एसी है, जेट विमान की ईंधन है और धान का खेत है। साथ ही साथ में प्लास्टिक या पॉलीथिन जलाने से भी, प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक और पॉलीथीन के जलने से, प्लास्टिक और पॉलीथीन के जलने से क्या निकलती है, तो CO और CO2 गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, CO और साथ ही साथ में CO2 गैस। तो ये सभी वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाले कारक हैं, और इन वायु प्रदूषकों से ये सभी गैसें निकलती हैं जो क्या करती हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है, ठीक ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला पढ़ाने से पहले एक देखिएगा इंफॉर्मेशन है। यूपी टेट का बैच चलाया जा रहा है रवि सर और आलोक सर के निर्देशन में, और इस बैच में प्रवेश पाने के लिए आपको केवल इतना कार्य करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से यूपी टेट एंट्री लिखकर हमें सेंड कर देना है। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया हमारे काउंसलर्स के द्वारा आपको समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी, और आप जल्दी से इस बैच में जुड़ जाइएगा। क्लासेस संचालित होने लगी हैं, जो भी पेड बैच के विद्यार्थी हैं वो आपको बता सकते हैं, क्लासेस बहुत अच्छे से चलाई जा रही है, ठीक ना। चलेगा, यहां पर आइएगा। तो ये वायु प्रदूषक हो गए, ठीक ना। तो ये वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं, और उनसे कौन कौन सी गैसें निकलती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, धान के खेत से मीथेन निकलती है, और मीथेन कहां कहां से निकलती है, तो जो जानवर होता है, जानवर अपना जब खाना पचाने के लिए मुंह चलाता है तो उसको जुगाली की प्रक्रिया या जुआरी, कहीं पर इसी को जुवाली कहते हैं, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, धान निकलती है। आपके दलदल वाले क्षेत्र होते हैं या कोयला की खदानें होती हैं, वहां से भी मीथेन गैस निकलती है, ठीक ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक वायु प्रदूषक और है जो कि कणकीय पदार्थों में शामिल है, इस वायु प्रदूषक का नाम है एरोसॉल। अगर आपसे पूछे कोई एरोसॉल क्या है, तो एरोसॉल जो है वो हवा में लटके हुए द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं, और इनका जो आकार है वो 1 से 10 माइक्रोन के मध्य होता है, 1 से 10 माइक्रोन आकार के कणीय पदार्थ होते हैं, जो द्रव या ठोस रूप में हवा में लटके रहते हैं, हवा में लटके रहते हैं, ठीक ना। एरोसॉल के बाद एक और आता है जिसका नाम है कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं, कणकीय पदार्थ पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं, और कई बार आप लोगों ने सुना होगा PM, पार्टिकुलर मैटर, ठीक ना, कणकीय पदार्थ। तो 1 से 10 माइक्रोन के आकार के जो कणकीय पदार्थ होते हैं उन्हें तो एरोसॉल बोलते हैं, और यहां पर 10 माइक्रोन से अधिक आकार के, 10 माइक्रोन से अधिक आकार के, से अधिक आकार के पदार्थ को कणकीय पदार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं,
कणकीय पदार्थ। दोनों को याद रखना है, 10 माइक्रोन से अधिक के हैं तो कणकीय पदार्थ हैं, और 1 से 10 माइक्रोन के मध्य हैं तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उन्हें नाम दिया जाता है आपका एरोसॉल। इसी में एक और है, और इसमें एक और जो वायु प्रदूषक पढ़ रहे हैं, फ्लाई एस, फ्लाई एस यह मानव के द्वारा जो कोयला जलाया जाता है, कोयले के जो अवसाद जो बच जाते हैं, जो धुएं में उड़ते रहता है, इसका मतलब तो क्या होता है, धूल कण होते हैं या फिर धुआं कह लीजिएगा, धुआं। तो मानव के द्वारा जलाए गए कोयले का जो धुंध बन जाती है उसी धुंध को फ्लाई एस कहा जाता है, उसी धुंध को क्या कहा जाता है, फ्लाई एस कहा जाता है। कोयला के जलने से उत्पन्न धुंध को, अगर धुंध है तो सीधी सी बात है इसमें धुआं भी होगा, उत्पन्न धुंध या धुआं को फ्लाई एस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी आपके वायु प्रदूषक हैं। इनके जो डेफिनेशन है, जो इनके नाम है वो आपको याद रखने हैं, ठीक ना, चलेगा। अब देखिएगा यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने सबसे पहले कहा कि वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु प्रदूषण क्या होती है, मैंने कल भी आपको बताया था, वायु प्रदूषण कोई भी प्रदूषण समस्या है, और वायु प्रदूषक जो उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। अब जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करेगा उन्हें वायु प्रदूषक, जल प्रदूषण उत्पन्न करेगा जल प्रदूषक। अब आता है कि ये मानव पर कैसे प्रभाव डालेंगे या मानव पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वायु प्रदूषकों का मानव पर प्रभाव, जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो यही होगी कि वायु प्रदूषकों का मानव पर प्रभाव। वायु प्रदूषकों का मानव पर प्रभाव और वायु प्रदूषकों का अगर मानव पर प्रभाव की बात की जाती है, तो पहला वायु प्रदूषक लिखते हैं हम, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ। जितने भी वायु प्रदूषक हैं उन सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 50% वायु प्रदूषण अकेले उत्पन्न करने वाली गैस है। ठीक ना, हम लिख सकते हैं कि सर्वाधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस अकेले यह गैस लगभग 50% वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। यदि यह गैस श्वसन के माध्यम से, हमारी नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से यदि यह गैस आपके अंदर चली जाती है, तो क्या करती है, यह गैस रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती। और रक्त का कार्य क्या होता है, तो रक्त का कार्य होता है, रक्त संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का वाहक है, वो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने का कार्य करता है या ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। अब समझिएगा, यदि यह रक्त को उसका कार्य नहीं करने देगी, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो शरीर के संपूर्ण भागों में संपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और जब यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमें सांस लेने में समस्या होने लगेगी, और जब सांस लेने में समस्या होगी हमारा दम घुटने लगेगा, इसलिए इस गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस गैस को नाम दिया जाता है दम घोटू गैस। ठीक ना, तो देखिएगा, मान लीजिएगा इस प्रकार से आपकी नलिका है, नाशिका है,
है ना, नासिका मान लीजिएगा इस प्रकार से। तो यदि अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चली जाती है, कौन सी गैस आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगी, रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती है, रक्त को कार्य करने से रोकती है। रक्त को कार्य नहीं करने देती, और रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त का कार्य होता है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन O2 को पहुंचाना। और जब संपूर्ण शरीर में AiO2 को नहीं पहुंचने देगी, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जब संपूर्ण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब संपूर्ण शरीर में O2 को नहीं पहुंचने देगी, तो O2 को संपूर्ण शरीर में O2 को पहुंचाता है कौन, रक्त। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त को सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब O2 को ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में नहीं पहुंचने देगी, संपूर्ण शरीर में नहीं पहुंचने देगी, संपूर्ण शरीर नहीं पहुंचने देगी तो सांस लेने में समस्या होगी, तो सांस लेने में क्या होती है, समस्या। अर्थात दम घुटने लगता है, और दम घुटना शुरू हो जाता है, दम घुटता है, और जब दम घुटता है तो इससे क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है दम घुटू गैस। क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दे दिया जाता है दम घुटू गैस, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दम घुटू गैस कौन सी है, तो दम घुटू गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कार्य करने से रोकती है, ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में फैलने से रोकती है, किसके माध्यम से, तो रक्त के माध्यम से, ठीक ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वायु प्रदूषक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट वायु प्रदूषक है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या नाम है, तो इस वायु प्रदूषक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगर हम बात करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड तेल रिफाइनरी से निकलता है, कहां से, तेल शोधन शाला, तेल रिफाइनरी से निकलता है। जब तेल रिफाइनरी से क्या निकलता है, SO2 निकलती है और ये बाह्य अंतरिक्ष में चली जाती है, चिमनी लगी होती है, वातावरण में आ जाती है। जब ये वातावरण में आ जाती है तो यह जल से क्रिया कर लेती है, और जब जल से क्रिया कर लेती है तो जल से क्रिया करने के बाद निर्माण कर देती है H2SO3 का, निर्माण कर देती है H2SO3 का। H2SO3 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये सल्फ्यूरस अम्ल है। और पुनः ये H2SO3 पुनः यह जल से क्रिया कर लेता है, और जल से क्रिया करने के बाद निर्माण कर देता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, किसका निर्माण कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये निर्माण कर देता है। जब ये सल्फ्यूरिक, अब यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया वातावरण में, वायुमंडल में किसका निर्माण हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब यहां पर बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद क्या हो जाती है, बादल बनने के बाद बारिश हो जाती है, बादल बनने के बाद क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। अब जब बादल बनने के बाद बारिश होगी तो इस बारिश में एक तो जल होगा, कौन सा जल, बारिश हो रही है, बारिश में वर्षा जल होता है, वर्षा जल के साथ साथ इसमें H2SO4 पाया जाएगा। तो ऐसा वर्षा जल जिसमें H2SO4 पाया जाए, या ऐसी वर्षा जिसमें H2SO4 पाया जाता है, तो इस वर्षा को नाम दिया जाता है एसिड रेन। क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है अम्लीय वर्षा, ठीक ना, अम्लीय वर्षा हो गई। तो अम्लीय वर्षा जिन क्षेत्रों में होगी वहां पर क्या हो जाएगी, वहां की मिट्टी अम्लीय हो जाएगी।
अगर बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो तेल रिफाइनरी जहां पर होगी वहीं पर अम्लीय वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, वहीं पर अम्लीय मिट्टी भी पाई जाएगी। तो आपकी मथुरा में तेल रिफाइनरी है तो मथुरा के आसपास, मथुरा, आगरा, इटावा, मैनपुरी है, इस वाले क्षेत्र में अम्लीय वर्षा बहुत होती है, ठीक ना। अगला देखिएगा, जो ये SO2 गैस है, इस SO2 गैस का कलर की बात करते हैं, रंग की, तो इसका रंग जो होता है वो येलो होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो SO2 गैस का रंग येलो होता है। तो यह यदि किसी पत्थर पर या किसी स्थान पर लगातार पड़ती रहेगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग पीला हो जाएगा। तेल रिफाइनरी मथुरा में है और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में ही आगरा पड़ता है, तो SO2 गैस ताजमहल पर गिरती रहती है। कहां पर गिरती रहती है, तो यह गैस गिरती रहती है ताजमहल पर, और जब ताजमहल पर यह गैस गिरती रहती है तो इसके कारण ही ताजमहल का जो रंग है, ताजमहल का रंग धीरे 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 कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। SO2 गैस यदि किसी पत्थर पर गिरती रहती है तो ये पत्थर को तोड़ देगी। लगातार यदि किसी पत्थर पर यह गैस गिरती रहे, यदि आप कृत्रिम रूप से भी SO2 गैस को किसी पत्थर पर गिराते रहे, हमेशा उस पर पड़ती रहेगी, तो पत्थर टूट जाएगा, और जब पत्थर टूट जाएगा तो इसलिए इस गैस का उपयोग पत्थरों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है, और पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है, पत्थर को तोड़ने को क्रैकिंग बोलते हैं, इसलिए इस गैस का एक नाम और है, क्रैकिंग गैस। क्या नाम है, क्रैकिंग गैस। अब बताइएगा, यदि SO2 गैस लगातार पत्थर पर गिरती रहेगी, यदि SO2 गैस लगातार पत्थर पर गिरती रहेगी तो क्या होगा, तो होगा ए के, ये जो ताजमहल है ये एक दिन क्या हो जाएगा, नस्तनाबूत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, नस्तनाबूत हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना, क्या, तो पत्थर, ठीक ना, ताजमहल नस्तनाबूत हो जाएगा। ताजमहल क्या है, प्यार की निशानी है, और प्यार की निशानी आपकी नस्तनाबूत हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। अगर विश्व में अगर सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो नॉर्वे और स्वीडन के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला वायु प्रदूषक जो है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड होते हैं, NO, NO2 और N2O। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं तो जेट विमान के ईंधन के जलने से बनते हैं या निर्माण होता है, जेट विमान से, ठीक है ना, जेट विमान के ईंधन के जलने से। और जेट विमान बाबू कहां उड़ते हैं, तो जेट विमान अंतरिक्ष में उड़ते हैं, तो अंतरिक्ष में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए हम एक्स लिख देते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कोई भी हो सकता है। तो अंतरिक्ष में जब जेट विमान उड़ रहे हैं तो उनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं, और यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, यह जल से क्रिया कर लेते हैं, और जल से क्रिया करने के बाद निर्माण कर देते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड का, किसका निर्माण कर देते हैं, तो ये निर्माण कर देते हैं नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक एसिड का। फिर से वही प्रक्रिया होगी वायुमंडल में, जब नाइट्रिक अम्ल बन गया है तो यहां पर बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद क्या हो जाएगी, बादल बनने के बाद वर्षा होगी। इस वर्षा में भी क्या पाया जाएगा, तो वर्षा जल होगा, और वर्षा जल के साथ साथ HNO3 होगी, और वर्षा जल और वर्षा जल के साथ साथ NHO3 पाए जाए तो इसे भी एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं, इसे भी एसिड रेन या क्या नाम दिया जाता है, अम्लीय वर्षा, इसको नाम दिया जाता है एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा दो अम्ल के माध्यम से होती है, या तो HNO3 पाया जाए या H2SO4 पाया जाए। यदि किसी वर्षा में H2SO4 भी पाया जाता है और H2SO4 के साथ साथ HNO3 भी पाया जाए, तो इस वर्षा को क्या नाम दिया जाता है, तो ये जो वर्षा बनेगी जिसमें वर्षा है, H2SO4 है और HNO3 भी है, तो इसको नाम दिया जाता है
हार्ड एसिड रेन, HARD, हार्ड एसिड रेन, हार्ड एसिड रेन कठोर अम्लीय वर्षा, कठोर अम्लीय वर्षा क्या नाम दिया जाएगा? तो इसको नाम दिया जाएगा कठोर अम्लीय वर्षा, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, अगले वायु प्रदूषक की बात करें तो CFC है। CFC सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें कार्बन का, फ्लोरीन का और क्लोरीन का CFC एक एक अणु होता है। अगर बात करते हैं कहां से निकलती है, तो आपकी जो ठंडक वाली चीजें हैं जिनसे हम, ऐसी मशीनें जैसे हम ठंडा होने का कार्य करते हैं, या तो कमरे को या पानी को, तो फ्रिज हो गया और आपका एयर कंडीशन हो गया, AC, तो इनसे निकलती है। और यह सर्वाधिक हानिकारक, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक ना, अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सर्वाधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस, सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है? तो सर्वाधिक हानिकारक है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक ना, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस में तो पढ़ाएंगे हम, तो ये इंपॉर्टेंट तीन चार जो थी गैसें हैं जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये किस प्रकार से मानव पर प्रभाव डालती हैं। ठीक ना, किस प्रकार से मानव पर प्रभाव डालती हैं। अब देखिएगा, अगर हमने मानव पर प्रभाव पड़ लिया है तो बात आती है बचाव की, वायु प्रदूषण से आप कैसे बच सकते हैं। तो यार मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक ना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको बताना है मैं कि वायु प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं, जिसमें जो पहला आंसर देंगे वो मैं ही दे रहा हूं। जो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि सर अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएंगे, तो ये मैं बता देता हूं अपनी तरफ से कि अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएंगे और क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में, जो भी ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्पादन में कमी करेंगे। जो उद्योग हैं जिनसे विषैली गैसें निकल रही हैं उन्हें अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में न बसाकर दूर, बस्ती से दूर बसाएंगे, साथ ही साथ उनकी चिमनियों को बहुत ऊंचा बनाएंगे। अनावश्यक न, आवश्यक ना हो तो कम मात्रा में ही हम उद्योगों को स्थापित करें, ऐसे उद्योग जिनसे अधिक मात्रा में गैसें निकल रही हों। ठीक ना, ऐसे ईंधनों का प्रयोग करें जिनके द्वारा गैसों का उत्पादन या गैसों का उत्सर्जन न हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, वायु प्रदूषण से बचने के उपाय हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही रखते हैं। और एक बार फिर से आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यूपी टेट के बैच में एंट्री लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए आपको इस नंबर पर 9005815849 पर UPTET एंट्री लेकर सेंड करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रवेश प्रक्रिया समझा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।